तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज माइनक्राफ्ट का थर्ड एपिसोड, मतलब ये समझ लो कि ये नई सीरीज से थर्ड एपिसोड चालू हो चुका है। और अभी हम अपनी वुड तोड़ना चालू करते हैं और अपना सारा का सारा घर स्टार्टिंग से बनाएंगे। हाँ, हो सकता है कि मैं इस पार्ट में पहले एपिसोड, मतलब जो ये वाली जो नई सीरीज चालू हुई है, इसके पहले एपिसोड में मैं अपना घर बना दूँ या फिर नहीं भी बन पाएगा। तो आप आगे के एपिसोड में देख लेना जब मैं घर बनाऊँगा। और अभी पहले तो मैं एक काम करता हूँ, वुडन प्लैंक्स बना लेता हूँ, फिर क्राफ्टिंग टेबल बना के छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं वे बना लेंगे, वे बना लूँगा। सॉरी, कभी कभी थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, समझा करो। और अभी स्टिक बनाता हूँ पहले, ये रही नहीं, पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद स्टिक बनाऊँगा। सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही कम है इसकी, एक बार ज़रा मैं पहले सेंसिटिविटी फुल कर लेता हूँ। गेम की 360 रोटेट नहीं हो रहा है, एक बार कीबोर्ड और माउस में जाना है और यहाँ से सेंसिटिविटी फुल कर लेनी है इसकी। हो जा, और ये सेंसिटिविटी फुल हो गई इसकी। और एक सेकेंड, हो गई, देख सकते हैं अभी पूरा 360 रोटेट हो रहा है। ये मेरा प्लैंक यहाँ पर गलती से प्लेस हो गया था, इसको और ले लेता हूँ मैं। और अब सबसे पहले शीप तो यहीं पर दिख रही है मेरे को, पर पहले मैं स्टिक बनाकर वो बना लेता हूँ, एक दो टूल्स शीप को। हाँ, बेड बनाने के लिए शीप की भी जरूरत पड़ेगी। ये हमारी एक तो पिकैक्स और एक एक्स, ये दो चीज चाहिए मेरे को, जो मैं क्योंकि सोर्ड नहीं बनना था स्टार्टिंग में ही, और बाद में एक आधी बार, हाँ बाद में भले ही बना लूँगा, स्टार्टिंग में मैं सोर्ड बिल्कुल नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक्स का डैमेज ज़्यादा होता है, चाहे वो वुडन सोर्ड हो चाहे वुडन एक्स हो। तो वो अगर वुडन टूल में देखोगे तो आप, एक्स का डैमेज ज़्यादा होगा सोर्ड से। तो यहाँ पर मैंने दो शीप मिली है, यहाँ पर एक और थी, पता नहीं कहाँ पर गई है वो। चलो छोड़ो, नहीं मिल रही, अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक वुल्फ और है, पर इसको हम टेम नहीं कर सकते, हमारे पास वो ही नहीं है बोन, या तो स्केलेटन होता अभी स्टार्टिंग। यहाँ पर एक चिकन है, इसको और मार लेता हूँ, बाद में ये काम आएगा। और अभी देखते हैं और आसपास क्या मिलेगा। पर हाँ, इस बार जैसा ट्रिगर्ड इंसान की आपने अगर वीडियो देखी होंगी, निश्चय भाई की, अगर आपने उनका कासल देखा होगा, तो उनके कासल के जैसा अपना कासल बनाएंगे हम भी। उनका कासल मेरे को ठीक ठाक लगता है, टैकन गेमर्स का तो काफ़ी बड़ा है, वो मेरे को अच्छा सा नहीं लगता, पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को टैकन गेमर्स पसंद नहीं है, उनकी गेमिंग वीडियो भी ठीक ठाक रहती है, पर कासल मेरे को उनका पसंद नहीं आया। मेरे को ट्रिगर्ड इंसान का कासल ठीक ठाक लगता है, मतलब बढ़िया लगता है उनका कासल। तो फिर मैं उनके जैसे ही कासल बनाऊंगा अपना भी, बिल्कुल डिट्टो सेम तो नहीं, थोड़ा बहुत अपने पास से भी करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा उनसे सिमिलेटर सा बनाएंगे, सिमिलर सा, सॉरी गलती से निकल गया मुझे। और अभी चलते हैं, ये लेपर्ड, ये पता नहीं क्या सीन है, मेरे को बताना आप कमेंट में। ये तेंदुआ होता है फिर कैटी होती है माइनक्राफ्ट में। ये यहाँ पर ये मेरे को लैंप से मिल रहे हैं, मैं इनको कलेक्ट तो कर रहा हूँ, पता नहीं इनका क्या यूज़ होएगा, फिर भी ले लेता हूँ। तो चलिए, मैं आपको अभी आगे चल के मिलता हूँ जब ठीक ठाक मेरे पास वुड वुड इकट्ठी हो जाएगी, और जहाँ पर अगर मेरे को बीच में कुछ यूनिक सी चीज़ मिलती है तो मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा। गाइस, मेरे को यहाँ पर ये ठीक ठाक मतलब वुड मिल रखी है, मतलब यहाँ पर दो चार पेड़ हैं, इनको मैं तोड़ लेता हूँ, ट्रीज हैं, तो फिर ये क्योंकि वुड आगे काम आएगी ना, मेरे पास वुड ख़त्म हो रही है थोड़ी बहुत, मतलब ऐसे ही हैं, 20-25 प्लैंक्स पड़े हैं, तो ज़रूरत भी आ गई घर बनाने के लिए भी। और पहले मैं ज़रा ये वुडन लॉग्स इकट्ठे कर लेता हूँ। ये वुडन प्लैंक और वुडन लॉग के बीच में सारी की सारी वो हो जाती है, कन्फ्यूजन सी हो जाती है। यहाँ पर एक देखना, ये रुइंड पोर्टल भी है, पहले चल के इसमें लूट मचा लेते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। और यहाँ पर ये चेस्ट खोलते हैं एक तो, और खुल जा, खुल गई। इसमें ये है चेस्ट प्लेट, गोल्डन चेस्ट प्लेट, एंचेंटमेंट पता नहीं इसमें कौन सी लग रही है, इसमें तो एफिशिएंसी 3 है आई थिंक,
फ्लिंट छोड़ो और ये ले लेता हूँ आयरन नगेट। ये पता नहीं क्यों चेस्ट खोलने पे मेरा थोड़ा सा माउस लैग कर रहा है, पर गेम में लैग नहीं कर रहा है जो ये इसका एम है। गाइज वहाँ पर देखना पैरेट में, पर मेरे को आप कमेंट करके बताना कि पैरेट को टेम किस चीज़ से किया जाता है, मेरे को पता नहीं है पैरेट को टेम किस चीज़ से करते हैं। अगर पैरेट को टेम करने का मेरे को पता चला तो मैं पैरेट को टेम भी कर रखूँगा, क्योंकि बढ़िया लगते हैं। मैंने एक दो यूट्यूबर्स को देखा है, वो बताते हैं कि एक शोल्डर पर बैठते हैं हमारे आगे, पता नहीं है ऐसा होता है नहीं, पर आप बताना अगर ऐसा ही सीन हो तो कमेंट करके। और चलिए मैं आपको ज़रा आगे चलकर मिलता हूँ अब, ठीक है, ठीक ठाक सी जगह पर। गाइस यहाँ पर ये एक मैंने पीछे से देखा था, जो एक माउंटेन वाली वो होती है ना, मतलब जो रॉक वाला पूरा माउंटेन होता है, यहाँ पर स्टोन वाला पूरा माउंटेन है, तो यहाँ पर आयरन बहुत मिलता है। देखो यहाँ पर मेरे को स्टार्टिंग में मिल गया, कुछ बंदों को पता होगा पर कुछ को पता नहीं होगा। पहले मैं ज़रा स्टोन पिकैक्स बना लेता हूँ, और कुछ बंदों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, कुछ सोच रहे होंगे कि मैंने क्रिएटिव से यूज़ करके कर रखा है, पर ऐसा नहीं है, मैंने क्रिएटिव नहीं यूज़ करा है इसमें। और पहले मैं ज़रा स्टोन तोड़ लेता हूँ अच्छा खासा, जिससे कि स्टोन पिकैक्स बना लूँ, और उसके बाद मैं आयरन को कलेक्ट करूँगा। गाइज यहाँ पर मैंने पहले क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर दिया है। अगर आपको मेरी थोड़ी आवाज़ अजीब सी आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा जुकाम हो रखा है, मतलब गले में थोड़ी दिक्कत है मेरे, पर कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा जब ठीक ठाक वॉइस ओवर होएगा। अभी तो फ़िलहाल पहले मैं ये यहाँ पर अपनी एक्स बना लेता हूँ, एक्स और पिकैक्स, जिससे मैं अपना आयरन माइन कर पाऊँगा। अभी यहाँ से पहले मैं ठीक ठाक आयरन माइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारा आयरन मिला है। यहाँ से आगे की वीडियो में पूरी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, माइनिंग की भी और क्राफ्टिंग की भी। तो चलिए अब आप आगे की वीडियो के मजे लो। गाइज यहाँ पर मेरे को ठीक ठाक एक एरिया सा दिख तो रहा है, पर थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, क्या पता ठीक ठाक एरिया और अच्छा खासा मिल जाए। वहाँ से मैंने सारा सामान उठा लिया अपना, और मैं निकल चुका हूँ जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर मेरे को मैं अपना ठीक ठाक घर बना सकूँ, पर ये जगह मेरे को अच्छी सी नहीं लग रही। पता नहीं, यहाँ पर ग्रास बहुत है पर ग्रास की तो कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकेंड, क्रिकेट इंसान का अभी तो घर इसी बायोम में बना हुआ है, कासल पूरा, तो हम इसी बायोम में अपना कासल बनाएंगे। जो उनकी बायोम थी वो बायोम भी मिल चुकी है हमको, और जगह भी ठीक ठाक है, पीछे माउंटेन्स भी हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर चलो हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, और ये ग्रास बाद में इजीली हट जाएगी, बस एक वाटर बकेट चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए, ये बाद में अपना पड़ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे हटेगी, हो सकता है काफ़ी बंदों को पता हो सकता है काफ़ी बंदों को नहीं पता हो जो माइनक्राफ्ट के न्यू प्लेयर्स हैं। स्टार्टिंग में आप इसके स्ट्रक्चर पर मत जाना, मैं इसको बाद में बड़ा भी कर सकता हूँ अगर बाई चांस ये छोटा बन जाता है तो। चलिए मैं पहले वीडियो यहाँ की थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो गाइस हमारा एक इतना कुछ स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।